अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज जैसे मैंने आपको कल बताया था, हम चिकन टिक्का चंक्स बनाना सिखाएंगे जो हम माइक्रोवेव में कुक करेंगे, ठीक है। और हम आज अवन में कुकीज़ बेक करेंगे, बहुत सिंपल कंडेंस मिल्क कुकीज़ हैं चॉकलेट चिप्स के साथ। और फिर हम दूसरे एक चिकन बोनलेस या चिकन ब्रेस्ट फिले के साथ बनाएंगे चिकन टिक्का कैसरोल, वो अलग ही चीज़ है, ठीक है। उसमें आप ये चिकन टिक्का चंक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो मुख्तलिफ रेसिपीज़ आज बनाना सिखाऊंगी, एंड ये हमारी तीसरी रेसिपी है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ 2 टेबलस्पून्स चीनी है, तो 2 टेबलस्पून्स चीनी चली गई हमारे यहाँ बोल में। उसमें हम डालेंगे 3/4 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन। ये आज मैं उतारना भूल गई थी, तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा ऐसे तोड़ दूं, वरना बीटर में जाते ही ये फंस जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ चॉकलेट चिप्स हैं, 1/2 कप कंडेंस मिल्क का टिन है, और मेरे पास यहाँ 1.5 कप मैदा है, थोड़ा सा नमक है एंड बेकिंग पाउडर है, ठीक है। सो थोड़ा सा नमक, बेकिंग पाउडर और ये कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क पूरा टिन नहीं यूज़ किया है, 1/2 कप यूज़ किया है, याद रखिएगा। उसको आपने निकाल के रख देना है किसी डब्बे में, ठीक है। कोयला मैंने यहाँ रख दिया है कोयले का दम देने के लिए। उसके बाद वहाँ पैन में मैंने स्पेगेटी बॉईल करने रख दी है, बिकॉज़ उसको भी मुझे उस रेसिपी में डालना है। कंडेंस मिल्क काफ़ी मीठा होता है, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाल दीजिएगा। मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक एंड देन चॉकलेट चिप्स एंड देन बेक करने रख दीजिए। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं पास्ता ज़रा चेक कर लूं इससे पहले कि बहुत नरम हो जाए। या इट्स डन। अब बहुत ज़्यादा इसको मुझे नरम नहीं कर लेना है, अल डेंटे रखिएगा पास्ता को, यानी कि एक वाइट होना चाहिए। और भी हम अवन में भी तो इसको बनाएंगे ना। अच्छा ठीक है, इसका चूल्हा बंद कर दिया, इसको हम स्ट्रेन कर देंगे, पानी निकाल देंगे। कोयला यहाँ दम पे रखा हुआ है और ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। सो 3/4 कप मक्खन है फीका अनसॉल्टेड, 2 चमचे उसमें पिसी हुई सफ़ेद मैंने चीनी डाली है, 1/2 कप कंडेंस मिल्क है, 1/2 टिन नहीं डालिएगा, 1/2 कप डालिएगा प्लीज़। 1.5 कप मैदा है छान के रखा हुआ है, और मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर रखा है, और बहुत थोड़ा सा चुटकी भर नमक था, 1/2 कप चॉकलेट चिप्स। ऑल डन। अब ये नमक वहाँ रख देते हैं, नमक के साथ नमक एंड एवरीथिंग एल्स वी डोंट नीड। सो सारी चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से, ताकि आप लोगों को नज़र आए, ठीक है। और फिर मैं यहाँ अपने बीटर को भी हटा देती हूँ, वरना चॉकलेट चिप्स अंदर फंस जाएंगे। और फिर मिक्स करिए, छोटे छोटे बॉल्स बनाइए इसको आप बेक करने के लिए ट्रे पे। मैं सिलिकॉन का मैट इस्तेमाल करती हूँ, जैसे स्पैचुला कैसे, उसके बगैर मुझे चैन नहीं है, मैं उसके बगैर काम नहीं कर सकती हूँ किचन में, वैसे ही मैं सिलिकॉन के मैट के साथ इतनी आदी हो चुकी हूँ कि उसके बगैर मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कुकीज़ जल जाएंगे। या कभी कभी होता भी है वैसे, ऑनेस्टली पेपर रखते हैं या फॉइल के ऊपर हम करते हैं तो वो कुकीज़ नीचे से लग जाते हैं। सिलिकॉन के मैट का ये है कि ट्रे भी आपकी साफ़ सुथरी रहती है, कोई चीज़ चिपकती भी नहीं है, जलती भी नहीं है, और अगर कोई चीज़ चिपक जाए भी ना, आराम से निकल आती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि अगर हमने उसको ट्रे पे रखा है तो ट्रे फिर बहुत हमें उसको खुरचना पड़ता है, अगर कोई चीज़ चिपक जाए तो ट्रेज भी ख़राब हो जाती हैं, और कितनी महंगी मिलती हैं नॉनस्टिक की ट्रेज। पार्चमेंट पेपर बाहर रहने वालों को मिलता है, वो आप रख के कर सकते हैं, उसमें नहीं चिपकेगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करिएगा, कंडेंस मिल्क ज़्यादा नहीं डालिएगा, कुकी का शेप आउट हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब चिकन टिक्का चंक्स की जो नेक्स्ट रेसिपी है, उसमें हर चीज़ हमें फूड प्रोसेसर में डाल के पीस लेना है, और उसके बाद उसको एक छोटे से पायरेक्स के डिश में रख के अवन या फिर माइक्रोवेव में बेक करने रख देना है, ठीक है। माइक्रोवेव में हम इसको बना लेंगे। चिकन का कीमा है, आराम से बहुत जल्दी हो जाएगा। बोनलेस चिकन ले लें, चिकन ब्रेस्ट फिले ले लें, ये देखें डो हमारा रेडी हो गया, ठीक है। बस
अब मैं इसको ट्रे पे रखती हूँ और हम इसको अवन में रख देते हैं और फिर हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आएंगे। डार्क वाइट मिल्क चॉकलेट चिप्स मिलते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर लें, एनीथिंग यू लाइक। थोड़ी जगह छोड़िएगा, बेकिंग पाउडर है। और अब मैं ऐसे करती हूँ, इस ट्रे को भर के ना कुकीज़ से अवन में रख देती हूँ। आप लोग क्या करिए, जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेके आइए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। उसमें आपने डालना है अनियन का पेस्ट, तो ये प्याज को पीस लिया था, बहुत पानी नहीं यूज़ करिएगा। फिर आपने उसमें नमक शामिल करना है। अच्छा जी, ये हो गया। फिर आपने उसमें लहसुन शामिल करना है। हर चीज़ डाल के इसको पीस लीजिएगा प्लीज़। अच्छा, फिर लेमन जूस जाएगा। ब्रेड के स्लाइसेस हैं टू बाइंड इट, दो से तीन ले लीजिएगा। फिर थोड़ा सा दूध जाएगा, थोड़ा सा, और क्या था, अंडा है एक अदद। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, डिपेंड्स आपको कितना स्पाइसी चाहिए। फिर ये तंदूरी मसाला है, कोई भी अच्छी सी कंपनी का ले लीजिएगा। हरी मिर्चें हैं, ब्राउन प्याज है थोड़ा सा, है ना, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। और क्या था, हाँ, मैदा है और कॉर्नफ्लावर है, अगेन टू बाइंड इट। एंड दालचीनी का पाउडर है एंड बेकिंग पाउडर है। चिकन के पीसेस हैं, प्याज का पेस्ट है, नमक है, लहसुन है, लेमन जूस, ब्रेड के स्लाइसेस, अंडा, थोड़ा सा दूध, कुटी हुई लाल मिर्चें, दालचीनी का पाउडर, तंदूरी मसाला, बेकिंग पाउडर, कॉर्नफ्लावर, मैदा, ग्रीन चिलीज़ चॉप किए हुए, ठीक है, और कोयला रख दिया है अगर आपको उसको दम करना है तो, और फ्राइड प्याज, दैट्स इट। एक डिश ले लीजिए जिसको आप ग्रीस करेंगे, इसको हम माइक्रो में पकाएंगे, अवन में भी कर सकते हैं, चूल्हे पे स्टीम भी कर सकते हैं। पूरा निकालिए और माइक्रोवेव में रख दीजिए, कहानी खत्म। चलिए, अगर आपको बच्चों के लिए करना है तंदूरी मसाला और लाल मिर्चें कम रखिएगा। आपको घर में बनाया है, बजट में रह के, कोई एडिटिव्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई भी बरसों तक पड़ा हुआ शेल्फ पे नहीं है, आपने बनाया, बच्चों को आप सैंडविचेस में फिलिंग करके दीजिए इसी की, आप सबवे टाइप ब्रेड बना रहे हैं उसके अंदर रख दीजिए सैंडविचेस, पिज्ज़ा के ऊपर टॉपिंग, सैलड के अंदर डाल सकते हैं, और घर में बनाया हुआ होगा, साफ़ सुथरा, नो कलर, नो एडिटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव्स। प्रेस इट डाउन, बस ये मैं रखूंगी माइक्रो में, फिर कुकीज़ चेक कर लेंगे। तेल वैसे थोड़ा सा डालना है वरना ना ये माइक्रो में वो हो जाएगा, सूख जाएगा। बीच में से निकाल के हम देखेंगे भी उसको, जब भी आधा हो जाएगा ना, हेल्दी वर्जन करना है तो ऑलिव ऑयल डाल दीजिएगा।
बस आई जस्ट वॉन्ट कि ये इस तरह बिल्कुल फ्लैट हो, तो जब हम इसको पकाएंगे और काटेंगे और निकालेंगे ना, तो फिर ये चंक्स का ही फॉर्म हो। ठीक है जी, चलिए माइक्रोवेव की तरफ। अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, 2 मिनट और। सो ये निकलेंगे, उसके बाद हम कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ मेक मोर कुकीज़, जब ये ट्रे निकलेगी, और चिकन टिक्का कैसरोल की तरफ हम आएंगे, ठीक है। अब उसके लिए चिकन ब्रेस्ट है मेरे पास जो फ्लैट किए हैं, टिक्का मसाला, दही, लेमन जूस और लहसुन अदरक डालेंगे, और उसको आप ग्रिल पैन पे या फ्राइंग पैन पे फ्राई कर दीजिए, ग्रिल कर दीजिए। फिर एक सॉस बनेगा, ठीक है, और वो सारी चीज़ें शिमला मिर्च स्पगेटी वगैरह रख के, फिर हम एक पायरेक्स का डिश है मेरे पास यहाँ बड़ा वाला, उसमें बना लेंगे। तो आज आपने मुझसे 3 रेसिपीज सीख ली, एक चिकन टिक्का चंक्स कैसे बनाते हैं, और अगर आपको वो चिकन टिक्का फिले से नहीं करना है तो यही चिकन टिक्का चंक्स को आप चॉप अप करके स्क्वायर पीसेज में काट के कर सकते हैं, सही है, ठीक है। तो ऐसे करें हम कि हम क्लीन अप करें और ब्रेक की तरफ जाएं, क्या ख्याल है आपका? ओके जी, तो हम वही करते हैं, हम चेक करते हैं। अभी मैंने सिर्फ 1 मिनट पे रखा था, आई एम गोइंग टू डू द सेटिंग ऑफ द माइक्रोवेव, 10 से 12 मिनट में हो जाएगा। अगर आपके पास कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन है तो कम टाइम में भी हो जाएगा। हर माइक्रोवेव, हर अवन कम्स विथ अ बुक, खुदा के लिए वो किताब को पढ़ लीजिए शुरू करने से पहले, बिकॉज बहुत सारे अप्लायंसेस अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं आपको, ठीक है। हर अप्लायंस का अलग अलग तरीका है चलने का, अलग अलग उनके ऑप्शंस हैं, तो बस वो किताब पढ़ लीजिएगा प्लीज़। चलिए मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए फूड डायरीज। वेलकम बैक। अब यहाँ चिकन ब्रेस्ट फिले को इस तरह आपने फ्लैट कर देना है, ठीक है, स्टेक हैमर से। लेमन जूस, फिर टिक्का मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, चिकन ब्रेस्ट फिले, टिक्का मसाला, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, सही है। ग्रिल पैन ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा तेल रख दीजिए। दोनों चीज़ों को हमें कोयले का धुआं देना है अभी, एंड इसको आप मिक्स कर दीजिए। माइक्रोवेव सेज बीप बीप बीप। गरम गरम तरीन, और मैंने हाथों से उठा लिया। ओके, इट्स ऑलमोस्ट डन। कैसे पता चलेगा? एक शार्प छुरी चाहिए मुझे, उसको पोक करके देखेंगे। ऑलमोस्ट डन, थोड़ा और। सो 1 मिनट और। क्या हुआ? हाँ ना, मुझे भी लग रहा है। वापस निकालूं? एक्चुअली इतना ऊंचा बनाया है, कोई 6 फुट के आदमी के लिए बनाया है, ज़ारना कितनी छोटी सी, तो नज़र ही ना आए कुछ भी। ये कैसे हिल गया है? गोल गोल नहीं घूमेगा ना? ओके, चलो चले भाई, करते हैं कुछ। चले, कुकीज निकल आई हैं, ये दिखाइए कुकीज, मजेदार सी। खा लूं? आज चलिए, अदरक लहसुन, टिक्का मसाला, दही, लेमन जूस, चिकन। अब इसको आप पहले उस पर रख के ग्रिल पैन पे कर दीजिए। इसका बहुत मज़े का टमेटो क्रीम सॉस हम बनाएंगे अभी, चीज़ और क्रीम और टमेटो सॉस, बहुत मज़ेदार। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं?
जो मसाला है उसको वेस्ट नहीं करिएगा। ठीक है, हमें किसी दिन वो वाला करना चाहिए जो एक मैं छोटी थी ना तो एक टीवी पे एक वो आता था बाहर किसी चैनल से फाउल अप्स ब्लीप्स एंड ब्लंडर्स, तो उसमें वो दिखाते थे कि लाइव शो के दौरान क्या फाउल अप्स होते हैं, क्या गलतियां हो जाती हैं, क्या ब्लंडर्स हो जाते हैं, उस पर एक शो करना चाहिए। अरे फिलर का आइडिया आ गया मुझे। चलें अब हम क्या कर रहे हैं कि स्पगेटी बॉयल कर दी है और प्याज है और शिमला मिर्च है, ठीक है। और हाँ, ये भी तो मुझे बताना है आप लोगों को कि अगले महीने से आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं। बताना है अभी मुझे, लेकिन वो दिल में, वो पेट में वो गुड़गुड़ हो रही थी मुझे, मुझे दिल कर रहा था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। मैंने आज कह ही दिया कि बहुत सारे चेंजेस हैं अगले महीने। अच्छा, चिकन को आपने मैरिनेट करके इस तरह पका दिया, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है, सारी चीज़ों को। सो मैं इसमें करना चाह रही हूँ, ये केचप है, ठीक है, ये टोमेटो पेस्ट है जो टिन में होता है वो वाला, ये क्या है जी, ये क्या है जी, ये मैदा है, ओ ऐसे भी होता है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। ये ऑरिगैनो है, ऑरिगैनो हम थोड़ा सा ऊपर डालेंगे। मस्टर्ड पेस्ट है और हम डालेंगे इसमें चिकन का क्यूब और काली मिर्चें, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, डिपेंड्स कितना आपको स्पाइसी चाहिए। काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसमें मशरूम्स डालिए, शिमला मिर्च डालिए, सब कुछ आपने एक में मिक्स करना है। अभी करते हैं सारा कुछ। प्याज डाल दीजिए, क्रीम डालिए, लेमन जूस, सब कुछ हो गया ना, मिक्स कर दीजिए। मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल। बहुत थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूंगी, टोमेटो पेस्ट वगैरह है, अच्छा सा एक क्रीमी सा सॉस बनेगा। इसको टर्न कर दीजिए, ठीक है, इसका चूल्हा बंद कर दीजिए। बस मुझे सब कुछ यकजान करना है। फिर स्पगेटी फोल्ड इन कर दीजिए, चीज़ और ऑरिगैनो ऊपर से डालेंगे। वो डिश वहाँ रखी हुई है। चिकन को फुल डन पका लीजिएगा, चिकन कच्ची ना रह जाए। अब तो खूब धुआं छुआ निकल रहा है, उसको मैं हाथ से नहीं उठाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है, दिस इज डन। जी कौन? कराची से एक हमारी कॉलर है, उनसे करते हैं बात। हेलो, हेलो, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। हाँ मैं ठीक हूँ जी, बोले। नहीं, वो आपकी ब्राउनी मैंने बनाई थी, बड़ी जबरदस्त बनी। सॉरी, क्या बनाई थी? ब्राउनी थी ना आपने जो बनाई थी इस दिन, सुने? ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। या आप फुल ऐसे ही रखिए, या आप स्लाइसेस में काट लीजिए, पूरा फैला दीजिएगा चिकन को इसके ऊपर। ये स्पगेटी जो बॉईल की थी वो इसमें जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी ग्रेवी रखिएगा, बिकॉज स्पगेटी पूरा इसको जज्ब कर लेगी। जो पीसेस हो गए हैं ना उसको मैं निकालना चाह रही हूँ।
वरना फिर वो बहुत ज़्यादा ड्राई और हार्ड हो जाएगा। ये भी हो गया है, ये ज़रा थोड़े यहाँ से कच्चे हैं। अच्छा, एक चीज़, आई टेक द कोयला, मैं वहाँ करूँ अगर नज़र आए, बिकॉज आई कॉन्ट पिक इट अप एंड ब्रिंग इट हियर। नहीं, मुझे कोयले का धुआं करना है। वहाँ चलें, चलिए। ये रखा मैंने यहाँ, इसमें आप डालिए थोड़ा सा तेल, और धुआं हो रहा है ना, अब इसके ऊपर हम एक प्लेट रख देते हैं, ठीक है? तो चिकन टिक्का चंक्स में ये धुआं आ जाएगा। हाँ, तो कवर ही करना है ना मुझे, कवर करूँगी तो धुआं अंदर जाएगा। लो, कर लो गल जी। चलो जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं। का चंक्स आर रेडी, बहुत बहुत गरम। अब बनाइएगा प्लीज़, ठीक है? इसी तरह ट्राई करिएगा, बनाइएगा। ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो, मैनेजेबल हो, फिर मैं करती हूँ। ये हमने सब्जियाँ, मशरूम्स, स्पगेटी, ये सॉस के साथ सारा कुछ मिक्स कर दिया है। जो चिकन बनाई थी उसको भी कोयले का धम दिया था मैंने, यहाँ निकाल दिया था, और अब ये पूरी की पूरी सॉस और स्पगेटी इसके ऊपर, ठीक है? दोनों चीज़ों को दम दिया था ना मैंने ब्रेक में। हाँ, वो पीछे जो ये चिकन टिक्का चंक से उसको भी दिया था। चलिए जी, अब हमें इसके ऊपर चीज़ डालनी है बहुत सारी, और ओरिगैनो, थोड़ा सा ओरिगैनो डाल दीजिएगा इसी तरह, और आपने इसको ओवन में रख देना है। डन, चिकन टिक्का कैसरोल। अच्छा, इसको मैं ऊपर ज़रा रखूं, बिकॉज मैंने ऊपर नीचे का अब ऑन किया है। इसको जल्दी से हीट लग जाएगी ना, तो इसमें ये हो जाएगा चीज़ मेल्ट, ठीक है? कुकीज़ दिखा दीजिएगा, कंडेंस मिल्क कुकीज़। मसाला टीवी फूड मैगजीन सितंबर का शुमारा। अच्छा, कुकी दिखा दी, अब हम आ जाते हैं मसाला टीवी फूड मैगजीन की तरफ। रेसिपीज इंग्लिश में हैं, उर्दू में हैं, और ये सिर्फ 200 रुपए का है, लीडिंग बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है। सारे शेफ्स की रेसिपीज हैं, और ज़ारनक सिद्वा ने फूड डायरीज में क्या बनाया, बीफ चीज नाचोज, चपली कबाब बर्गर्स, टेरियाकी स्कूअर्स, वाइट बिरयानी, चॉकलेट बनाना क्रीम पाए, हरीसा, और एक और है चॉकलेट स्वर्ल बनाना ब्रेड, माय फेवरेट। तो इसी तरह आप भी खरीदिएगा, फ़ायदा उठाइए इस मैगज़ीन का, और सारे शेफ्स की रेसिपीज़ देख लीजिएगा इसमें से, ठीक है? और क्या करना है अब मुझे, यस, चिकन टिक्का चंक्स को मुझे निकालना है। इतना गर्म था कि आई वाज़ वेटिंग कि ज़रा थोड़ा सा तो ठंडा हो, मैनेजेबल हो मेरे लिए। ये देखें कितनी जल्दी ये माइक्रो में हमने बना लिए, ठीक है? इसी तरह बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। आप इसी को उस कैसरोल में भी डाल सकते हैं। अब आप घर में बनाइए, रंग नहीं डालना है, नहीं डालिए। मैंने भी रंग नहीं डाला है, तंदूरी मसाले का या टिक्का मसाला जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका कलर है ये, ठीक है? सेपरेटली इसलिए रख रही हूँ कि आप लोगों को नज़र आए कि भाई क्या बनाया है हमने। नो एडिटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, साफ़ सुथरा घर में बनाइए। अच्छे अच्छे पीसेस निकाल के रख रही हूँ कि वो आपको ना फिर स्क्रीन पे नज़र आए।
चलिए मैं ऐसे करती हूँ, अब ये बस रख देती हूँ और अवन में जो जा चुका है हमारा कैसरोल, उसके लिए अब हमें वेट करना है। आप एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलिएगा। चिकन टिक्का चंक्स, चिकन टिक्का कैसरोल और मैंने कंडेंस मिल्क के कुकीज़ बनाना आपको सिखाया था हमारे शो में। और याद भी दिलाती चलूँ कि शाम को 6 बजे ज़रूर ट्यून इन करिएगा, हायर का शो आएगा आज जो रात को 10 बजे रिपीट होगा। वैसे आपके साथ हम लाइव हैं पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे 3:30 से 4:30, रात में हमारा शो फूड डायरीज का 12 बजे रिपीट होता है। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। कम बैक, ये दिखाइए जो हमने चिकन टिक्का कैसरोल बनाया था। नीचे हमने चिकन टिक्का के ब्रेस्ट फिले को बना के नीचे रख दिया था, ऊपर ये टमेटो क्रीम सॉस, स्पगेटी, सब्जियाँ, मशरूम्स, जो भी आपको अंदर डालना हो, सॉसेजेस वगैरह भी डाल सकते हैं। चिकन टिक्का चंक्स देख लीजिएगा, मैंने इसमें कोई रंग नहीं डाला है, जो रंग इसका आ रहा है वो तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे आएगा। कंडेंस के कुकीज़ हैं। सॉरी, अब हम क्या बना रहे हैं अगले हफ्ते? कोफ्ता बिरयानी है, बूंदी जर्दा है, ठीक है। और ट्यूसडे को हम बना रहे हैं गुजराती अरहर दाल, ओट्स का ढोकला। और वेनसडे को हम बना रहे हैं खोया आलू और रवा शीरा। थर्सडे को मिलेनियर पाई है, जुकीनी मफिन्स हैं। और फ्राइडे को बटर चिकन बिरयानी, एगलेस केक है। तो 3:30 से 4:30 देखिएगा हमारा शो ज़रूर, और रेसिपीज ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।